हम दो तीन। ओए भाई साहब ये क्या था यार, सबसे पहले हम आए। ये क्या पॉटी पॉटी और हगने बैठे हगने। आज हम लोग आए हुए हैं मिस्टर अमन, आसान देने नहीं बोले हम, यूनिक कुछ बोलो के लिए। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस आज देख रहे हो मेरे जिरेश चैनल के ऊपर, नहीं मेरा डोमिनर के ऊपर। तो आप लोग एक नाम सजेस्ट करो इस बाइक का, कौन सा नाम रखा जाए। मैं सोचा हूँ कि रेडबुल रख दिया जाए। तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताना कि रेडबुल नाम कैसा रहेगा, क्योंकि जेरी तो नाम है मेरा ट्रेनर का, तो इसका जेरी टूर तो यहीं रख सकते, तो इसीलिए रेडबुल सोचे। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना। और आज है संडे, तो संडे राइड के लिए निकल गए हैं और वेदर कंडीशन सही नहीं है, इसीलिए मैं अपना जेरी को लेकर नहीं आया। सोचा कि फिन कीचड़ वगैरह हो जाएगा, तो फिन उसको धुलाई करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ऊपर से भी ये भी नया मशीन है, तो एक बार देखते हैं हाईवे के ऊपर राइड कर कैसे का एक्सपीरियंस रहता है। वैसे तो बहुत अच्छा चल रहा है, 200-300 किलोमीटर ही मैं चलाया हूँ, बहुत स्मूथ बाइक है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देखते हैं कैसे क्या रहता है, नहीं रहता है संडे राइड कर। तो अभी चल रहा है डनकुन टोल, देखते हैं। और आज क्लास 299 का ऑफिशियल राइड भी है। ओए भाई साहब ये क्या था यार। और ये सब भाई लोग जा रहा है पीछे में अभी बम। ये रहा क्लास 299। ओहो मिस कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ जेडी को, मिस कर रहा हूँ। वन टू थ्री। क्या फ्लाई बाई था, क्या साउंड था यार, गजब गजब। और यहाँ से थोड़ा सा ड्रिजलिंग भी चालू हो चुका है, तो बारिश भी आ चुका है ऑलमोस्ट, तो जेरी को नहीं लिया है। अब लग रहा है कि सही रीजन था। ओ भाई साहब चलो चलो चलो। तो गाइस यार आज का राइड शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 बज चुका है और वेदर कंडीशन भी सही नहीं है, जब तक बारिश आ जा सकता है। तो चलिए अभी चलते हैं। और अभी तो हम लोग ही है, 3 चढ़ी है। और कैसे यार आप लोग से एक बात बोलना था, मेरा जो लास्ट वीडियो था ना, मतलब यार कुछ भी, एक तो हद बनता है। देखो एक तो था मेरा वीडियो, ठीक है, उसके ऊपर से मेरा वीडियो ऑलमोस्ट था 14 मिनट्स 50 मिनट्स का, लेकिन उसमें से हाफ वीडियो उठाकर दिल्ली का एक यूट्यूबर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़ा यूट्यूबर, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन तब पर भी वो भाई कैसे मेरा वीडियो उठाकर अपना फेसबुक पेज में डाल दिया और व्यूज़ कमा लिया, मैं क्या बताऊँ। मतलब कुछ भी यार, ऐसा करना तो नहीं चाहिए। बहुत सारे भाई लोग आप लोग डीएम कर रहे थे, लेकिन क्या पता भाई ऐसा करेगा। तो भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा मत किया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, एडिटिंग भी मेहनत लगता है, और आप ऐसे ऐसे फुटेज उठा के वहाँ पर डाल दिए और आप अच्छा खासा व्यूज़ भी ले लिए। तो गाइस यार अपना पुराना प्यार मेरा तो था रेड चिली, लेकिन अब ये वाइट ब्यूटी। तो एक बस चलाते हैं, ऑलमोस्ट कितना महीना हो गया यार भूसा चलाते हुए। ओ भाई साहब भूसा भूसा। सच में यार भूसा तो भूसा ही है, बाप बापी होता है। यार कितना अच्छा लग रहा है यार, मेरे पास जब था वो पुराना दिन अब याद पड़ रहा है मेरे को। इसका राइडिंग पोस्टर देखो कितना इजी, कितना अच्छा है, और हम लोग का ट्रेनर में है, कितना एग्रेसिव पोस्टर है यार। बम। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है उस समय कि इसका थोड़ा ब्रेकिंग का इश्यू रहता है, और ये साउंड में उतना मज़ा आता नहीं है। जो ट्रेनर में मज़ा है ना, वो तो कुछ पूछो ही मत। लेकिन ये सच में इतना दिन बाद चला रहा हो, और इसका जो राइडिंग पोस्टर है ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब उसे चलाता था तो उतना भी ज़्यादा YouTube में करता नहीं था, लेकिन आप लोग के संग अगर करते तो आप लोग के संग शेयर भी कर सकते थे, लेकिन क्या किया जाए, टाइम टाइम का बात है। लेकिन इस फीस को इस तरह भगाते हैं।
few moments later. तो गाइस यार ये हम लोग का खाना आ चुका है और ये गुड्डू भाई बहुत दिन बाद घूम गया था, फिर हम लोग पकड़ के ले आए इसको। और ये खाना प्याज का मसाला ऑमलेट खाना चुका। तो जल्दी भी खाना खाते हैं हम लोग और मेरा माहौल। तो गाइस यार अभी जा रहे हैं घर, बहुत देर यहाँ पर थे तो छोटा सा ब्लॉग है। तो अब ये रहा मेरा डोमिनोज, तो सोच रहे रेड बुल नाम रखे, देखते हैं। रियाज भाई डोमिनो का एक्सपीरियंस कैसे रहा? बहुत अच्छा ना, 120 में क्रूज हो रहा है, मतलब लद्दाख भी जाएगा, नेपाल भी जाएगा, जहाँ जहाँ होगा टेनर जाएगा, लेकिन ये भी जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताना इसके ऊपर आप लोग वीडियो देखना पसंद करते हो कि नहीं, तो इसके ऊपर वीडियो आएगा, लॉन्ग राइड भी आएगा। और अभी चल रहे हैं, तो गाइस यार अभी ऑलमोस्ट बज रहा है 9:40, तो अभी जा रहे हैं, जल्दी निकल गए क्योंकि धूप उठ गया है। और आज शाम को हम लोगों का ग्रुप का एक भाई है, बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, बहुत मज़ेदार भाई है, तो उसका बाइक का डिलीवरी है जॉय बाइक पॉइंट से। तो शाम को फिर निकलेंगे, लेकिन शाम को निकलेंगे टेनान लेकर। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो, तो आप लोग वीडियो जरूर देखना क्योंकि भाई का बाइक का डिलीवरी है और भाई का ड्रीम बाइक है, तो समझ सकते हो खुशहाली कितना हो सकता है। तो गाइस यार चलिए अभी घर चलते हैं और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं शाम को जब निकलेंगे भाई के बाइक के डिलीवरी में तब। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं घर और शाम को निकलते हैं, शाम को निकल कर फिर आप लोगों से बात करते हैं। तब तक के लिए वीडियो में गाइस बने रहना। सो है गाइस सुबह के बाद वीडियो शुरू हो जाता है आज काठमांडू से। तो जाने का बात था टिनान लेकर, लेकिन रियाज भाई कोई काम से कलकत्ता गया था, तो वहाँ से ही जॉय बाइक पर में चला गया है। तो और मेरा बाइक आप लोग जानते हो उसी के घर में रहता है, चाबी वगैरह उसी के पास रहता है, तो इसीलिए बाइक लेकर निकल नहीं पाए। और डोमिनो लेकर क्यों नहीं निकले, क्योंकि हम लोग संजय भैया है, भैया का भी इन्विटेशन था, तो भैया भी कार लेकर आ गया है, तो अकेला जाएंगे, तो इसीलिए कार में जा रहे हैं अभी। लेकिन यहाँ पर हेलमेट है, लौटते वक्त रियाज भाई के संग आएंगे, रियाज भाई को होंडा साइन पर। फिलहाल तो मैं और भैया अभी जा रहे हैं और जाकर देखते हैं वहाँ पर क्या इंतजाम है क्या है नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो अमन भाई है उसका बाइक का डिलीवरी है, तो समझ सकते हो बहुत बवाल होगा, बहुत मौज मस्ती होगा। तो चलिए अभी चलते हैं, जाकर देखते हैं वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप लोगों के संग पूरा प्रोसेस शेयर करते हैं। सही बात है, वीडियो नहीं देने से ऑडियंस बोलेगा वीडियो कहाँ गया, तो वीडियो देना चाहिए। तो गाइस यार ये रहा बीस्ट, आप लोग देख सकते हो अभी ढका हुआ है, कुछ देर में रिवील होगा। और ये भाई का ड्रीम बाइक है, और यहाँ पर देखो कितना सारा टेनर है, मतलब कोलकाता टेनर के लिए फेमस है। और ये ट्रिपलर हम लोग आए हुए हैं मिस्टर अमन भाषण देने नहीं बोले हम कुछ बोलो के लिए भाषण दे रहा है भाषण बता रहे ना चुप चुप करो ये जो बंदा है ना ये जो बंदा है यही है कावासाकी का सीईओ 4:30 बजे से बैठा हुआ है कितने बजे अभी पहले हम आए सबसे पहले ये ये भाई तू पॉटी कर ना पॉटी कर रहा है भाई तू सबसे पहले हम आए ये क्या पॉटी और हगने बैठे हगने बैठे अमन रेडी भाई आने दे 1 2 3